देखिए दोस्तों, बंदूक, दाना, छोटा बंदूक, दाना, बड़ा बंदूक, सभी कुछ यहाँ पे रखा गया है। और ये बड़ी वाली बंदूक, गोली, बंदूक, हर चीज़ भाई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, अभी हमें कोलकाता में और आप लोग भी दिखाने जा रहे हैं कोलकाता के सबसे फेमस विक्टोरिया मेमोरियल को। तो दोस्तों, यहाँ का आप लोग भी अच्छे अच्छे सीन दिखाने के साथ कुछ हिस्ट्री भी बताएंगे। तो दोस्तों, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा यहाँ का, और गाइस यहाँ का क्या टिकट प्राइस है, कैसे आप लोग हावड़ा स्टेशन से यहाँ तक आ सकते हैं, सब कुछ डिटेल्स यहाँ आप लोग बीच कवर करने जा रहे हैं। बस दोस्तों, आप लोग लास्ट तक ब्लॉग्स में बने रहिएगा। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, इस तरफ से मेन रोड से वहाँ पर से आए हैं, और इधर देखिए यहाँ पे एंट्री गेट है, यहाँ से अंदर जा सकते हैं आप लोग। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं क्या कुछ है यहाँ का। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ टिकट कटता है, और यहाँ देखिए 30 रुपया प्राइस है। तो यहाँ टिकट ले लिया है, अब इधर से अंदर जाते हैं। तो फाइनली गाइज, अंदर आ चुके हैं, और यहाँ देख सकते हैं ऊपर में कुछ स्टैचू तरह है, इधर कुछ गार्डन तरह है, और नीचे देख सकते हैं इस तरह से, सकते हैं कुछ इस तरह से पत्थर है लगा हुआ। और उधर देखिए, उस तरफ वहाँ जाना है और दिखाना है आप लोगों को क्या कुछ है अंदर का व्यू। बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों, यहाँ एकदम प्राकृतिक एकदम जगह, यहाँ आप लोग आते हैं तो देखते हैं एकदम, बहुत ही प्यारा जगह है एकदम दोस्तों। देख सकते हैं चारों ओर पानी है, इधर उसके वो पार में कपल्स का है, और इधर देखिए हम अभी मैदान की तरफ घूम रहे हैं। देख सकते हैं चारों ओर कितना सुंदर यहाँ का व्यू है। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये शाम का व्यू है, कितना मस्त लग रहा है देखने में। और देखिए इधर कुछ गार्डन तरह है, वहाँ पे पानी है उस तरह, और उधर झरना वहाँ पे लगा हुआ है। बहुत ही मस्त यहाँ का व्यू है शाम के समय खासकर। और इधर देखिए गाइस, यहाँ अंदर जाने के लिए वहाँ पर से एंट्री है उसके अंदर जाने के लिए। और नीचे देख सकते हैं पत्थर, चारों तरफ यहाँ पत्थर लगा हुआ है, नीचे में वहाँ पर से है रोड तरह, फिर भी यही हमें बुलने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर से वो देख सकते हैं, वहाँ पर से अंदर जा सकते हैं। देखिए कितना मस्त लग रहा है यहाँ का व्यू, चलते हैं अंदर दिखाते हैं आप लोगों को अंदर जाकर। और गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं अंदर आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ का कितना सुंदर यहाँ का लग रहा है देखने में। ओ भाई साहब, देखिए ऊपर तक, वाह। दोस्तों, इसका गुंबद काफ़ी ऊंचाई में है, जो कि देख सकते हैं। देखिए भाई साहब, वहाँ से आए थे अंदर की तरफ, और यहाँ का देखिए इस तरह से। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ हिंदी में, पढ़ सकते हैं आप लोग। और यहाँ महारानी विक्टोरिया रानी का मूर्ति देख सकते हैं, और इसमें लिखा हुआ यहाँ कुछ समय भी देख सकते हैं, महारानी विक्टोरिया रानी की ये स्टैचू है, और यहाँ का कुछ डेट लिखा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। और गाइस, यहाँ उस ज़माने का देख सकते हैं, भाला, तरवाल, हर तरह का हथियार सब रखा हुआ है भाई, काफ़ी डेंजरस सब हथियार यहाँ पर रखा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। और गाइस, इधर भी एक देख सकते हैं, तो यहाँ खतरनाक सब हथियार सब रखा हुआ है। वाह भाई साहब, देखिए गाइस, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं उस ज़माने का कुछ नक्शा यहाँ पे रखा हुआ है, टच मत कीजिए इसको, सिर्फ देखिए। यहाँ पर भी उस ज़माने का हथियार सब देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल तरीके से, इसमें कुछ डेट भी लिखा हुआ है देख सकते हैं। यहाँ हथियारों का कमी नहीं है, राजा महाराजा का सभी तरह का हथियार यहाँ उसी ज़माने का, इतना खतरनाक सब हथियार है, बंदूक भी है। बाप रे बाप, ओ भाई साहब, समझ सकते हैं दोस्तों, उस समय युद्ध जब होता होगा कितना डेंजरस होता होगा भाई, और कितने लोगों की जान जाता होगा, देख सकते हैं दोस्तों।
यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं उस जमाने का हथियार, तोप वगैरह युद्धों में प्रयोग किया जाता था। और दोस्तों ऊपर देख सकते हैं यहाँ लोग ऊपर में है, यहाँ भी लोग, यहाँ भी जाएंगे दोस्तों ऊपर में और दिखाते हैं ऊपर का क्या व्यू है। क्रांतिकारियों सबका तस्वीर लगा हुआ है जो कि देख सकते हैं। ये कौन है भाई, यहाँ देख सकते हैं, ये तस्वीर देख सकते हैं गाइस, यहाँ देख सकते हैं गाइस, ये सब उसी ज़माने में अपने हाथों से कारीगर ड्राइंग के तौर पर बनाए थे और यहाँ आज इस तरह से तस्वीर आप लोगों के बीच दिख रहे हैं। ये भी देख सकते हैं दोस्तों जो कि हाथ से, काफ़ी देख के ही लगता है हाथ से ये स्केच बनाए गए थे उस ज़माने में। और यहाँ देख सकते हैं इस तरह से, ऊपर वाले फ्लोर में दिखाते हैं विक्टोरिया मेमोरियल के क्या क्या यहाँ इतिहास का सामान सब रखा हुआ है और कैसा यहाँ के ऊपर का क्या कुछ है यहाँ का। देख सकते हैं दोस्तों बाहर का किस प्रकार से, कितना मस्त यहाँ का व्यू लग रहा है देखने में। ओ भाई साहब, देख सकते हैं गाइस बाहर का कितना मस्त यहाँ से व्यू लग रहा है देखने में। दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं नीचे का कितना मस्त लग रहा है नीचे देखने में। देख सकते हैं दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल के ऊपर में है भी और नीचे का देख सकते हैं व्यू। और यहाँ पर दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल का सेम छोटा सा मॉडल के रूप में रखा गया है, देख सकते हैं सेम एकदम असली वाला जैसा, कुछ पुराने ज़माने का है ये, देख सकते हैं मशीन तरह है कुछ। और गाइस यहाँ एसी वाले रूम में एकदम काफ़ी ठंडक लग रहा है यहाँ आने के बाद, सबसे ज़्यादा यहीं आप लोग अच्छा लगेगा इस जगह आने के बाद। और यहाँ का भी कुछ बहुत चीज़ यहाँ रखा हुआ है आप लोगों के बीच, ये कुछ दस्तावेज उस समय का है, पढ़ सकते हैं इसको। और दोस्तों यहाँ का कुछ इस तरह से बुक रखा हुआ है, एक पेज जो कि खुला हुआ है इसका, देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान। और यहाँ पढ़ सकते हैं कुछ अपने देश के क्रांतिकारी, देख सकते हैं भकना की गिरफ्तारी दाएं से दूसरे। वाह भाई साहब, देख सकते हैं बंदूक दोस्तों उस ज़माने का काफ़ी ख़तरनाक है उस ज़माने का। देखिए दोस्तों बंदूक, दाना, छोटा बंदूक, दाना, बड़ा बंदूक, सभी कुछ यहाँ पे रखा गया है। और ये बड़ी वाली बंदूक और इसका यहाँ पे देख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों सिक्सर, गोली, बंदूक, हर चीज़ भाई, दाना। ओ भाई साहब, यहाँ नाम भी देख सकते हैं, कारतूस, कारतूस, ये सब कारतूस है। सोचिए दोस्तों उस ज़माने में किस प्रकार से प्रयोग होते होंगे युद्ध के बीच में। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल के कुछ इतिहास, क्या दोस्तों आप लोग जानते हैं आज के इस विक्टोरिया मेमोरियल का इतिहास कुछ बदनाम रहा है, या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह मेमोरियल अपने ही देश में अंग्रेजों की गुलामी को दर्शाता है। इसकी आधारशिला महारानी विक्टोरिया रानी के 25वें वर्ष के शासनकाल में तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स, बाद में राजा जॉर्ज पंचम ने 4 जनवरी 1906 में रखी थी। और दोस्तों अपने ही देश के हजारों मजदूरों ने इसे बनाने में योगदान दिए थे।
इसे बनवाने में सारा खर्च कोलकाता के ही सारे नागरिकों से वसूला गया था, जो कि उस समय के करोड़ों रुपये लगे थे। इस मेमोरियल के अंदर में युद्धों का सभी तरह का सामान रखा जाता था। यहाँ दोस्तों पहले प्रेसिडेंसी जेल हुआ करता था, जिसमें अपने ही देश के महान क्रांतिकारियों को बंधक बनाकर रखा जाता था। विक्टोरिया मेमोरियल कब और कैसे आए? दोस्तों आप लोग यहाँ कोलकाता के हावड़ा स्टेशन से आते हैं तो बता दें, हावड़ा स्टेशन से ही बस वहाँ तक जाती है। ओनली बस का 10 से 15 रुपया टिकट प्राइस है, सीधा वहीं तक आप लोगों को छोड़ देंगे। और गाइस, विक्टोरिया मेमोरियल ओनली मंडे को बंद रहता है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप लोग आराम से इसके अंदर घूम सकते हैं। यहाँ का टिकट प्राइस है 30 रुपया ओनली, जिसमें आप लोग म्यूजियम का भी आनंद ले पाएंगे। और यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, बाहर तरफ निकल गए हैं, देखिए काफ़ी अंदर में दोस्तों घूमे, बहुत कुछ देखने को मिला, नया नया चीज़ देखे और आप लोग भी दिखाए हैं। तो दोस्तों यहाँ का वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों इसी तरह मिलते हैं एक नए वीडियो में, सभी को जय हिंद, जय श्री कृष्ण, बाय बाय गाइस।